हेलो भाइयों, मैं हूँ अरमान और आज फिर मैं अपनी एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम एस डीजल 1.5 लीटर, जो आपको 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है और 100 PS की पावर है। और ये 5 गियर आते हैं इसके फ्रंट के, यानी मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो आज हम इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस और ओवरव्यू के बाद करेंगे। अब हालांकि अब फोर्ड जा चुकी है और यूट्यूब पे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में देखा, लोग कह रहे हैं फोर्ड 10 साल तक सर्विस देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी जिन की है उन्होंने बताया मेरे को, कंपनी ने उनको बताया कि अब वो सिर्फ 7 साल तक इनको सर्विस देंगे कंपनी वाले, आगे नहीं देंगे। तब इसकी शुरुआत करते हैं फ्रंट से। इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, और यानी वाइट थ्रो इनका वाइट कलर, और नीचे आपको फोग लैम्प विद इंडिकेटर, उनमें आपको DRLs मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये DRLs ऑन हो गए हैं। ऐसी कुछ आपको ग्रिल मिलती है, ब्लैक मिलती है, आपको कोई क्रोम वर्क नहीं है इसके अंदर। और मैं आपको इसका वाइड एंगल लुक देता हूँ साइड में से, मतलब स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसका, जो टॉप वेरिएंट आता है स्पोर्टी लुक बना रखा है। अलॉय भी अब आप देख लीजिए, 5 स्पोक के साथ आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, जिनके टायर साइज़ की बात करें तो 205/60R16 16 इंच के आपको अलॉय व्हील मिलेंगे। ORVMs पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, और इस साइड आपको फ्यूल लीड मिलेगा पैसेंजर साइड। और रियर में बात करें तो आपको इसमें LED टेल लैंप्स नहीं मिलते, सिंपल हेलोजन ही मिलते हैं, ये मैंने ऑन करके दिखा दिए। और फोर्ड इको स्पोर्ट एक ऐसी लोती गाड़ी है अपनी सेगमेंट में, जो आपको फिफ्थ जो मतलब स्पेयर व्हील है वो भी आपको अलॉय व्हील देती है, और कोई कंपनी नहीं देती, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी में चले जाना। और टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ भी सेम है, 205/60R16 सेम टायर साइज़ देती है आपको। और रियर में बात करें तो टाइटेनियम एस की बैजिंग, TDCI यानी डीजल, इस साइड फोर्ड इको स्पोर्ट। और इसमें आपको 4 सेंसर मिलेंगे और एक कैमरा, कैमरे की प्लेसिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। और ऊपर बात करें तो आपको हाई स्टॉप लैंप, शार्प फिन एंटीना नहीं मिलता आपको इसके अंदर, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, और रूफ आपको इसकी फुली ब्लैक मिलती है, डुअल टोन के अंदर आती है कार, और इसके अंदर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसकी की की, तो इसकी की आपको सिंपल ही मिलती है, लॉक अनलॉक के साथ स्मार्ट की आती है इसके अंदर। अगर आपको इस कार को अनलॉक करना है तो सिंपली आपको अपना हाथ इसके अंदर, आपकी की आपकी जेब में होनी चाहिए, हाथ इसके अंदर डालना है और देखिए कार अनलॉक हो चुकी है आपकी, बस सिंपली इतना ही करना है। अब बात करते हैं इसके डोर से शुरुआत, ये आपको अंदर से भी डुअल टोन मिलती है ऑरेंज विद ब्लैक, ऑरेंज आप बता देना इस कलर का नाम क्या मेरे को पता नहीं पर्सनली। तो डोर से बात करें तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट लेदर की फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, चारों पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो पोर्टर डाउन के साथ मिलती है, और एंटी पिंच चाहिए। और ये इनके डोर हैंडल्स, ट्विटर, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर आते हैं इसके अंदर, लॉक अनलॉक, और यहाँ से आपके सारे ORVMs के कंट्रोल फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। और नीचे बात करें तो ये पता नहीं बड़ा चीप सा प्लास्टिक लगा मेरे को फोर्ड का, यहाँ पे देखना बिल्कुल ही, यहाँ पे खैर आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है, और इस साइड भी एक बोतल होल्डर मिल जाता है अंदर। और अब बात कर लेते हैं इसकी इंटीरियर की, तो आपको इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक AC मिलता है, जो कि रियलिटी में बहुत ज़बरदस्त AC इस कार का। आपने कभी भी नोटिस किया हो, जो फोर्ड की 5 सीटर कार्स हैं उनके अंदर कभी भी रियर AC इवेंट्स नहीं होते, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं रियर AC इवेंट्स देने के, इनका फ्रंट AC इतना ज़बरदस्त है कि पीछे कोई AC की जरूरत है ही नहीं। और ये इसका डैशबोर्ड सबसे लंबा, आपका आगे तक हाथ भी नहीं जाएगा, सबसे लंबा डैशबोर्ड मिलता है। और इसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ की आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ वगैरह सबको सपोर्ट करती है, नेविगेशन इन बिल्ट नेविगेशन आता है इसके अंदर। और स्टेयरिंग की बात करते हो, 3 स्पोक आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, और यहाँ पे जो क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है, टचिंग छोटी छोटी जगह है, देखने में रियलिटी में बहुत ही बढ़िया लग रही है, और बीच में फोर्ड का लोगो और ऐसा कुछ और आता है इसका। और अब बात करें इस साइड से, आपके सारे MID से जुड़े हुए कंट्रोल हैं, यहाँ से आप अपनी सारी MID कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिप वन वगैरह वगैरह, बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर, आप आराम से देख सकते हैं। इस साइड आपके बात करें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम से जुड़े हुए कंट्रोल हैं सारे, वॉल्यूम वगैरह फ़ोन काटने उठाने के लिए, और इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है आपका। और इस साइड बात करें इस इवेंट्स की, यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिंग मिल जाती है सामान रखने के लिए।
और इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और जो इसकी सबसे यूनिक चीज़ है, इसके हेडलैम्प का कंट्रोल आपको ना इस साइड मिलेगा ना इस साइड मिलेगा। हेडलैम्प इसके यहाँ पे मिलते हैं आपके नीचे की तरफ, यहाँ से आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस साइड आपके इंडिकेटर के कंट्रोल हैं, इस साइड आपके वाइपर के कंट्रोल हैं। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाते हैं, और इस साइड आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है डिसेंट स्टोरेज के साथ। इसमें 6 एयरबैग आते हैं इस कार के अंदर, सेफ्टी पर्पज भी, इंजन इमोबिलाइजर, ABS, EBD वगैरह सारे फीचर्स मिलते हैं। इस सनवाइजर पे आपको कोई लाइट नहीं मिलती, ना ही मिरर मिलता, हालांकि यहाँ पे लाइट की कटिंग के लिए जगह तो छोड़ रखी है। और पैसेंजर साइड बात करें तो आपको लाइट विद मिरर मिलता है, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है एक, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के लिए ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे इसके लाइट से जुड़े हुए लाइट मिल जाती है। और जिसके IR मिरर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक लिए मिलता है एडजस्टेबल, और यहाँ पे बात करें तो इसके हैंड ब्रेक मिल जाती है यहाँ पे, और 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज है, और यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसमें बहुत ही डीप स्टोरेज, आप अपना अच्छा खासा सामान इसके अंदर रख सकते हैं। बड़े बड़े इस साइड ऐसे कुछ AC वेंट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका सनरूफ ओपन करके, यहाँ से हो गए, इसमें से एक बंदा इजीली बाहर निकल सकता है, ऐसा कुछ सनरूफ है। इसको बंद कर देते हैं। अब इंडिया में बाकी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लोगों को बस शौक है सनरूफ वाला, इतना प्रैक्टिकल नहीं है वेदर के हिसाब से, ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है। और इस कार की टॉप स्पीड की बात करें तो ये 170 तक ईजीली चली जाती है और स्टेबल रहती है। मैं गारंटी देता हूँ आपको दो चीज़ों की इस कार की, एक तो ब्रेकिंग और हैंडलिंग, इस प्राइस रेंज में कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपको ऊपर रेंज में जाते हो तो जीप कंपास, और इस रेंज में इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको सबसे बढ़िया देगी ये कार। अब मैंने अपनी सीट पूरे पीछे कर लिया है, और अब बात करते हैं रियर सीटिंग। तो रियर डोर बात करें तो वही आपको सेम लेदर फिनिश मिल जाती है, ग्रैब हैंडल और पावर विंडो का कंट्रोल। अब ड्राइवर साइड भी सीट पूरी पीछे करने के बाद देख लो इस बाइक के पास ऐसा कुछ स्पेस है। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ पे तो थोड़ी कम स्पेस मिलती है क्योंकि कॉम्पैक्ट ऐसी भी हो गई है, तो ऐसे कुछ पीछे है। अब मैं इसका आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। जो इसका डोर है ऊपर की तरफ नहीं खुलता, साइड की तरफ खुलता है, इसके लिए आपको पीछे जगह चाहिए, यानी पार्किंग स्पेस अच्छा चाहिए अगर इसका डोर खोलना है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, और इसके नीचे आपको कोई स्टेपनी वगैरह तो इसकी बाहर मिलती है, और यहाँ पे आपको शोर है कितने लीटर की इसके अंदर बूट स्पेस आती है। यार ये फीचर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से टैप कर दो कार लो, हाथ डालो कार अनलॉक, ये फीचर रियलिटी में बहुत बढ़िया लगता है। तो अब कई लोगों का सवाल रहेगा कि आप इसका रिव्यू दे रहे हो तो इसका अब क्या फ़ायदा, फोर्ड तो इंडिया छोड़ के चली गई है, इस कार का लेने का क्या फ़ायदा है। इस कार के सारे पार्ट्स मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, आपको और किसी कार में नहीं मिलेगा। अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हो ना, तो आँख बंद के इस कार करके इस कार को ले लो, लो मेंटेनेंस कार, कोई हाई मेंटेनेंस नहीं, नॉर्मल गाड़ी जितनी इसकी सर्विस हो जाती है। कई लोगों का वहम होता है फोर्ड है इतना मेंटेनेंस मांगेगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी मानो तो ये कार ले लो, अगर आपको कहीं मिल रही है, क्या पता कहीं डीलरशिप पे बची हुई हो, क्या पता आपको अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पर मिल जाए, तो कोई घाटे का सौदा नहीं इस कार को लेने का। कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, कई लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि फोर्ड ने काफ़ी लंबे टाइम से इसको कुछ चेंज किए नहीं है। अगर जो बंदा चलाने का शौकीन है ना, वो इस कार को ही लेगा। ब्रेकिंग किया सेल्टोस में चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको डीजल वेरिएंट के अंदर, फेल है इसके आगे, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। मैं आपको इसका उडोर खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंसुलेशन के लिए कुछ पैडिंग मिल जाती है, इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, मैंने आपको वीडियो शुरुआत में ही बता दिया था, जो 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है आपको, अच्छा खासा टॉर्क है सेगमेंट के हिसाब से। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, जिस प्राइस पॉइंट पे ली गई थी कंपनी के जाने से पहले, कंपनी के जाने से पहले ली गई थी 13,50,000 रुपये की टॉप वेरियंट।
तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।